अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा कादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 38 मार्च मंडे यानी पीर का दिन है और इस वक्त मैं बहादुरपुर आई हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी मुस्तैक और मजबूर औरतें हैं, कई सारी जईफ औरतें हैं और इसमें बेवा औरतें भी हैं जिनको राशन की सख्त जरूरत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से, जैसे कि जनता कर्फ्यू के से बहुत ज्यादा परेशान हाल है। लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, रोज का कारोबार करके खाने वाले लोग हैं, लेकिन इस वक्त इन लोगों की हालत ऐसे है कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन एक एक चीज के लिए भी लोगों को तरसना पड़ रहा है। और एक एक घर का जो राशन है वो 700-700 रुपए का राशन है। हम हर कई सारे घरों को इस तरह का राशन फ्राहम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप तमाम लोगों के सपोर्ट और दुआओं की जरूरत है। आप लोग जैसे चाहे उसे सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो 3 घर 4 घर 5 घर के लिए राशन का इंतजाम कर सकते हैं, या फिर अपनी जकात में से भी आप ऐसे लोगों के लिए राशन का इंतजाम कर सकते हैं। मेरा बच्चा एक है, कमाने वाला, मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे है और बच्चा बढ़ गया, चार मीनार पे काम करता मेरा बच्चा, कैसा खाएंगे कैसा जिएंगे बोले, किराए का घर किराया दियो वो दियो कहाँ से लाना बोले। हाँ, मेरे को राशन की जरूरत है, बताया किराए का घर है, मेरे को पालने वाले कोई भी नहीं है, हमको परेशानी है बाबा क्या करना, खाने वाला कोई, छोटे बच्चे हमारे घर में कोई वो नहीं है कमाने वाले, हम बेवा आदमी कैसा करना बोले। देखिए आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ, जैसे कि रमजान में भी आप लोग जकात निकालते हैं, तो रमजान की जकात आप चाहे तो ऐसे मौके पे भी अपनी जकात ऐसे लोगों के लिए खर्च कर सकते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद हैं और ये लोग आपके जकात के हकदार हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद।